हेलो एवरीवन वेलकम टू अभीपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस आज है ट्वेंटी नाइन्थ नवंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी लेटेस्ट सी न्यूज़पेपर्स में आपको आज कौन सी न्यूज पढ़नी है स्टार्टिंग फ्रॉम द हिंदू ऑन पेज नंबर वन वी आर प्रिपेयर्ड टू स्टे एट दिल्ली बॉर्डर फॉर सिक्स मंथ फार्मर्स तो ये अगेन एक चेन में एक कंटिन्यूटी में न्यूज चल रही है वट एवर इज द प्रोविजन ऑफ द लॉज एंड दर्डिनेंस जो की सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास की है उसकी सारी प्रोविजन आपको बहुत अच्छे से डिटेल में पता होनी चाहिए दिस इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट उसके बाद फ्रंट पेज पे इंडिया टू होस्ट एस सी ओ सबिट टूमोरो सो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की अगली जो वर्चुअल सम्मिट होने वाली है इट इज नॉट हैपनिंग एनी वेयर फिजिकली इसकी जो वर्चुअल समिट होने वाली है दैट इज होस्ट बींग होस्टेड बाय इंडिया लेकिन इसमें इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे सो दिस ऑर्गेनाइजेशन बिकम्स इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज इन न्यूज एस के कितने मेंबर कंट्रीज हैं वट इज द मैंडेट हाउ हैज इट बीन फेयरिंग तो आई में आपकी ये न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाती है इसमें एक और ट्रेंड आपको देखने में आएगा दैट इंडिया इज नाउ बिकमिंग होस्ट ऑफ अलॉट मैनी बिग मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस, चाहे वो क्वाड की एक्सरसाइज हो जो क्वारिलेट्रल है सिक्योरिटी क्वारडिलेट्रल जो एक डायलॉग है इंक्लूडिंग इंडिया यूएस ऑस्ट्रेलिया एंड जापान वो भी एक्सरसाइज इंडिया में हुई है और उसी तरह इंडिया को जी ट्वेंटी की होस्टिंग मिली है फोर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री तो अब इंडिया को एस सी ओ की होस्टिंग मिली है सो दैट शोज इंडिया इज ग्रोइंग स्टेचर तो एक जनरलाइज ट्रेंड आपने बनाना है सो फॉर आई आर दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट उसके बाद राइट right साइड गवर्नर ओकेज़ यूपी कन्वर्जन ऑर्डिनेंस तो पिछले कुछ टाइम से पिछले कुछ वीडियोज़ में हमने ये डिस्कस भी किया कि कैसे कुछ जो स्टेट्स हैं वो एंटी कन्वर्जन लॉज पास कर रही हैं दैट यू कैन नॉट फोर्सफुली कन्वर्ट अनादर पर्सन टू योर ओन रिलीजन और टू एनी अदर रिलीजन तो इसके लिए जब मैरिज को यूज़ किया जाता है तो उसको रोकने के लिए एक ऑर्डीनेंस एक लॉ जो है कुछ स्टेट्स ने पास किया इंक्लूडिंग उत्तर प्रदेश एंड एंड हरियाणा तो so, इसमें इस, इस चीज को ऑफेंस बनाया गया है कि अगर किसी की शादी सिर्फ रिलीजियस कन्वर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है या प्राइमरीली रिलीजियस कन्वर्जन के लिए होती है देन दैट इज लाइबल फॉर पीनल एक्शन सो दिस इज इंपॉर्टेंट उसके बाद लेट अस गो डायरेक्टली बिकॉज दिस इज अ संडे न्यूज पेपर देर आर अ मेनी न्यूज इन संडे न्यूज पेपर एज वेल बट दल पेजेस आर जनरली नॉट देर ऑन पेज नंबर सेवन ऑफ द हिंदू टूडे एमिट स्नोफॉल 52 परसेंट टर्न आउट इन जे एंड के पोल जम्मू एंड कश्मीर में पहली बार नए सिस्टम के अकॉर्डिंग डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की वोट्स हो रही हैं डी जो कि डिस्ट्रिक्ट के डेवलपमेंट के लिए बनाए गए हैं एक तरह से ये लोकल बॉडीज़ हैं जो कि नई क्रिएट की गई हैं इन द यू ऑफ जम्मू एंड कश्मीर तो उसमें पहली बार ये इलेक्शन हो रहे हैं और इसी कॉन्टेक्स्ट में पीपल्स अलायंस फॉर गुप्कर डेक्लेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पी ए जी डी पीपल्स अलायंस फॉर गुप्कर तो सारी जो जम्मू एंड कश्मीर की रीजनल पार्टीज हैं ज़्यादातर पार्टीज ने इकट्ठे होकर एक अलायंस हो बनाई है और गुपकर नाम की एक जगह है श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में जहां पर ये अग्रीमेंट साइन किया गया नोन एज गुपकर डेक्लेन इसका जो मेन विजन है वो है जम्मू एंड कश्मीर को दोबारा से आर्टिकल 370 सेवनटी वहाँ पर रिस्टोर करना और आर्टिकल 35 फाइव ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो भी एक्स्ट्रा फंडामेंटल राइट्स जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को मिले हुए थे उन्हें दोबारा से रिस्टोर करना सो दिस इज द मेन एजेंडा ऑफ इट तो पहले इन्होंने मना कर दिया था दैट दे विल नॉट बी टेकिंग पार्ट इन एनी ऑफ द इलेक्शंस बट दैन अगेन दे डिसाइड दैट दे विल पार्टिसिपेट इन इलेक्शन बिकॉज दे नॉट वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस लोगों से जुड़े रहना चाहते हैं और पॉलिटिक्स के थ्रू वो अपना गोल अचीव करना चाहते हैं सो so, डिस्ट्रिक्ट डिवेलपमेंट काउंसिल नई बॉडी एक नई लोकल बॉडी जो जम्मू एंड कश्मीर यूटी में क्रिएट की गई है एंड पीपल्स अलायंस पर गुपकर डेक्लोरेशन ये दो चीज़ें आपकी यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं तो ये न्यूज आपको पढ़नी है देन ऑन पेज नंबर एट पेज नंबर एट में बॉटम पे ये न्यूज है नेबर्स अग्री ऑन इंटेल शेयरिंग सो इंडिया श्रीलंका और मालदीव्स इन तीनों ने एक ट्राइलेटरल अग्रीमेंट साइन किया है जिसमें कि टेररिज्म और साइबर सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस शेयरिंग ये सब कुछ की जाएगी तो साइबर सिक्योरिटी साइबर यू कैन से साइबर टेररिज्म वट एवर आर द चैलेंज इन द साइबर स्पेस तो उसको और इंटेलिजेंस शेयरिंग के लिए और टेररिज्म को रोकने के लिए इन तीनों कंट्रीज़ ने ट्रायलेटरल अग्रीमेंट साइन किया है इंडिया के बिहाफ पर नैशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल जो थे उन्होंने कोलम्बो विजिट किया और वहाँ पर ये अग्रीमेंट साइन हुआ है सो so, इंडिया की जो नेबर फर्स्ट पॉलिसी है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी वहाँ पर यह एक प्रोमिनंटली होता है दैट फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स इंडिया के अपने कुछ नेबर्स के साथ रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे इंक्लूडिंग पाकिस्तान चाइना एंड नेपाल इन तीन कंट्रीज़ के साथ हमारे किसी ना किसी तरह से बॉर्डर डिस्प्यूट जो हैं या फिर लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो uh, हमारी फायरिंग वगैरह चल रही है इन तीन कंट्रीज से हमारे रिलेशन कुछ अच्छे नहीं चल रहे बट दैट डज नॉट मीन दैट इंडिया हैज़ लाइक फॉरबिडन इट्स पॉलिसी ऑफ नेबरहुड फर्स्ट दैट पॉलिसी स्टिल स्टैंड और ये जो ट्राइलेटरल एग्रीमेंट साइन हुआ है इट इज़ अ स्टेप इन दैट डायरेक्शन एक इंटरनेशनल में इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इसका इंप्लीकेशन आपको अच्छे से स्टडी करना है फ्रॉम द एनालिसिस पार्ट मिडल ईस्ट में स्पेशली ईरान में जिस तरह से रिलेशंस डेवलप हो रहे हैं आइदर इट इज़ विद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और विद द अदर मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ क्योंकि दो तीन महीने पहले वेस्ट एशिया पीस एग्रीमेंट साइन हुआ है जिसमें कि ईरान की और इसराइल की इनफैक्ट इसराइल फैलस्टीन का वो इशू था लेकिन ईरान को भी आप उससे अलग करके नहीं देख सकते तो यहाँ पर हुआ यह है कि बहुत सालों से ईरान के ऊपर ये डाउट है दैट दे आर डेवलपिंग अ न्यूक्लियर वेपन तो इसलिए अब वहाँ के एक ऐसे साइंटिस्ट को असेसिनेट कर दिया गया है जिनके ऊपर ये डाउट था कि ये न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर रहे हैं सो नाउ ईरान इज वेरी एंग्री और किसी भी तरह से ये कन्फ्लिक्ट को जन्म दे सकता है मिडल ईस्ट में तो ईरान को ये शक है कि ये अटैक इसराइल ने करवाया है सो ऑल दीज डायमेंशन ऑफ मिडल ईस्ट वेस्ट एशिया दिस यू हैव टू कीप इन माइंड बिकॉज दिस कैन बी द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बैटल ग्राउंड फॉर द वर्ल्ड तो उसका इंडिया पर क्या इंपैक्ट होने वाला है इंडिया के इन सभी कंट्रीज के साथ कैसे रिलेशन है बेसिकली इंडिया के साथ इंडिया के ईरान के साथ भी बहुत अच्छे रिलेशन हैं इसराइल के साथ भी बहुत अच्छे रिलेशन है सो हाउ वट रोल इंडिया कैन प्ले इन डिफ्यूजिंग दैट टेंशन एंड वट विल बी द इम्पैक्ट इफ समथिंग गोज रॉन्ग ऑन इंडिया ये आपको करना है देन पेज नंबर टेन अ वेरी स्ट्रेंज एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज क्यू टू मैन्युफैक्चरिंग रीबाउंड इकोनॉमिस्ट पिछले कुछ वीडियोज में हमने डिस्कस किया कि कैसे जो जी डी पी का डेटा है वो काफी ज्यादा डिसमल आ रहा है चाहे वो लॉकडाउन की वजह से हो चाहे वो ऑलरेडी जो इकोनॉमिक का हमारा स्लो डाउन हो रहा था दोनों का कम्बाइंड इफेक्ट ये रहा कि जी डी पी इस साल के यानी कि टू थाउजेंड ट्वेंटी ट्वेंटी वन के फिजिकल ईयर में काफी ज़्यादा डाउन जा रही है सो थर्टी नाइन पॉइंट थ्री परसेंट कॉन्ट्रैक्शन यानी कि माइनस थर्टी थ्री पॉइंट थ्री परसेंट हमारा जो ग्रॉस वैल्यू एडिड है वो शो हुआ था फर्स्ट क्वार्टर ऑफ दिस ईयर में लेकिन उससे अगले ही क्वार्टर में वो सारा रिकवर होकर ग्रोथ शो कर रहा है जीरो पॉइंट सिक्स परसेंट की नाउ दिस इज अ बिट प्रॉब्लमैटिक क्योंकि जी डी पी का डेटा जी वी ए से मैच नहीं हो रहा है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज नॉट मैचिंग विद द डेटा ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडिड सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू हेयर What is the difference between gross domestic product and gross value added? And if there is a problem between the matching of these two data, which one is more important, and how we should remove that problem, how we should ensure data is proper difference. Is it logical or not? All these questions you need to ponder upon. <clears throat>

न्यू रिसर्च दैट इज देअर इन वाइल्ड लाइफ तो ये क्वेश्चन इनफैक्ट गैको वाली न्यूज तो आपको स्पेशली करनी है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यू स्पीशीज ऑफ गैको फाउंड इन दस्टर्न घाट कोई भी नई स्पीशीज जो है वो एनलिस्ट होती है या उसका जो वलरेबिलिटी स्टेटस है वो चेंज किया जाता है यू हैव टू डू दैट न्यूज इवन इफ इट डजन लुक इंपॉर्टेंट टू यू यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज एक ये न्यूज आपको पढ़नी है आर लैम्प

द हिंदू में और काफ़ी अच्छे से इसमें एक्सप्लेन किया होता है सो विद योर जोग्राफी नोट्स यू कैन कीप अ कटिंग ऑफ दीज स्पेसिफिक आर्टिकल्स हर हफ्ते सिर्फ एक आर्टिकल आता है क्वेश्चन कॉर्नर का एंड जनरली अ वेरी और अ जनरली अ कॉम्प्लिकेटेड साइंस प्रॉब्लम इज एक्सप्लेन इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज है तो ये काफ़ी अच्छा है एंड इस बार जो ये क्वेश्चन डिस्कस हुआ है इट इज़ ऑल्सो रेलिवेंट फॉर योर एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी सेक्शन तो ये आपको करना है ऑन the FAQ page. Now पेज FAQ page is very important. पेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट काफ़ी अच्छे आर्टिकल्स हैं आयुर्वेदिक डॉक्टर्स एंड सेंक्शन फॉर सर्जरीज ये काफ़ी अच्छा सेक्शन होता है ज़्यादा अच्छा इसलिए होता है इट इज़ बेटर देन आर्टिकल्स बिकॉज यहाँ पर क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में आपको सब कुछ बताया है यू हैव क्वेश्चन एंड देन इट इज आंसर्ड तो अभी आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को जो सर्जरी का लाइसेंस देने की बात हो रही है उसके ऊपर डिलीबरेशन है देन ऑन द लेफ्ट साइड स्केलिंग न्यू हाइट्स तो जो नासा का स्पेस एक्स क्र्यू वन लॉन्च किया गया है अभी अभी उसकी क्या सिग्निफिकेंस है कमर्शियल स्पेस सेक्टर में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं बिकॉज स्पेस एक्स इज़ अ प्राइवेट कंपनी और वो स्पेस सेक्टर को एक्सप्लोर कर रही है सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्या इंडिया में ऐसी कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है बिकॉज इन इंडिया स्पेस सेक्टर इज वन हंड्रेड परसेंट अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल कैन प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेट इन सच मिशन इन इंडिया एंड वट इज़ द पॉसिबिलिटी वट इज़ द फ्यूचर ऑफ इट ये आपको करना है कॉम्प्लेक्सिट ऑफ साइक्लोन फोकास्टिंग अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से भी और डिजास्टर मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बिकॉज डिजास्टर मैनेजमेंट में जब भी आपको मिटिगेशन या प्रिवेंशन के ऊपर आंसर लिखना होगा वहां पर आप फोकास्टिंग को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं दैट ऑल्सो यू कैन डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम ज्योग्राफी एज वेल एज एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट सेक्शन उसी में एक और आर्टिकल है इम्प्लीकेशन ऑफ ट्रंप पार्डनिंग माइकल फ्लिंट तो इसमें आपको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में आपको इंडियन प्रेसिडेंट और यूएस प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर्स का कंपैरिजन करना है हाउ इंडियन प्रेसिडेंट्स पार्डनिंग पावर वर्क्स एंड हाउ यूएस प्रेसिडेंट्स पार्डनिंग पावर वर्क्स वेरी इंपॉर्टेंट है सो so, आज द हिंदू में काफी अच्छे आर्टिकल्स हैं स्पेशली ऑन दी एफ एक् पेज दैट यू हैव टू रीड एज फार एज द इंडियन एक्सप्रेस इज कंसर्न टूडेज इंडियन एक्सप्रेस काफ़ी सारी न्यूज आपको इसमें रिपीटेड ही मिलेंगी राइट सो नथिंग सिग्निफिकेंट यू विल फाइंड हेयर अस स्विच डायरेक्टली टू द एडिटोरियल पेज जहाँ पर एक एडिटोरियल आपको पढ़ना है अदरवाइज मोस्ट ऑफ द पीसेज़ टूडे आर नॉट इम्पॉर्टेंट क्योंकि संडे को जो एक्सप्लेन uh, पेज है वो नहीं आता है इंडियन <coughs> एक्सप्रेस uh, में सो so, नो सिग्निफिकेंट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ तो यहाँ पर एक ही न्यूज़ है जो आपको पढ़नी है ऑन द वर्ल्ड पेज पेज नंबर सिक्सटीन ब्रेगजिट लेफ्ट साइड पर यह न्यूज़ है ब्रेग्जिट यू के ई यू रिज्यूम ट्रेड टॉक्स विद टाइम रनिंग आउट तो टाइम जो है इट इज रनिंग आउट ऑलरेडी बहुत सारी एक्सटेंशन ब्रेगजिट के लिए मिल चुकी हैं ब्रिटेन ने आज से चार साल पहले वोट किया था रेफरेंडम में दैट दे वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ यूरोपियन यूनियन जिसे ब्रेग्जिट कहा जाता है ब्रिटेन एग्जिट फ्रॉम यूरोपियन यूनियन इज ब्रेग्जिट तो अभी तक वो एग्रीमेंट फाइनलाइज नहीं हो पाया है कि पोस्ट ब्रेग्जिट जो ट्रेड है और जो इकोनॉमी है दोनों ब्लॉक्स की वो कैसे फंक्शन करेगी तो वो अभी तक एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है एंड दिस इज न्यूज अबाउट दैट आपको देखना है कि वो कौन कौन से कंटेंशियस पॉइंट हैं जिनके ऊपर ही ट्रेड एग्रीमेंट की बात रुकी हुई है सो दिस इज ऑल यू हैव टू डू फ्रॉम दीज टू न्यूज पेपर्स टूडे थैंक यू And if you like the video, please like, subscribe, and share this video. Do not forget to comment if you have any doubts. Thank you and have a nice day.